नमस्ते दोस्तों, अर्ली एज लर्निंग यूट्यूब चैनल में मैं सबका दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि कम उम्र में हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा, मूल्य शिक्षण और संस्कार दें, और यही सदा हमारा प्रयास रहना चाहिए। इसीलिए आज हम एक पजल लेके आए हैं, वो है रूबिक्स क्यूब। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना 2x2x2 का रूबिक्स पजल। वैसे आप देख सकते हैं ये 3x3 है, 4x4, 5 पिरामिड, मिरर, ऐसे बहुत पजल अवेलेबल है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे 2x2x2 से। ये बेसिक पजल है, सबसे छोटा है। इसमें हाइट, विड्थ, लेंथ, जैसे तीन डायरेक्शन है, इसलिए उसको क्यूब बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कोई भी पजल सॉल्व करने से पहले सबसे समझना हमें चाहिए कि उसका डायरेक्शंस कैसे कैसे रहता है। अगर वो समझ में आए तो सब रूबिक्स क्यूब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये ऐसा अगर है तो उसका 6 डायरेक्शंस होते हैं। पहला है ये फ्रंट, हमारा ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट यफ बोलते हैं उसको, यफ। और लेफ्ट साइड में घूमो तो यफ इन्वर्टेड, ये यफ, यफ इन्वर्टेड। वैसे उसके बैक साइड में बी, बी बी इन्वर्टेड, जैसे यफ, यफ इन्वर्टेड, बी बी इन्वर्टेड, ओके। उसके बाद राइट, राइट इन्वर्टेड, लेफ्ट, लेफ्ट इन्वर्टेड, ओके। उसके बाद यू, अपर, यू यू इन्वर्टेड। उसके बाद डी, डी इन्वर्टेड, ओके। देखो यफ, यफ इन्वर्टेड, बी, बी इन्वर्टेड, आर, आर इन्वर्टेड, एल, एल इन्वर्टेड, यू, यू इन्वर्टेड, डी, डी इन्वर्टेड, ओके। 6 मेन डायरेक्शन और 6 उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो एकदम सिंपल एल्गोरिदम है, उसको फॉलो करना है और आप इजी में उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी हमें एक कलर चूज़ करना पड़ेगा। ये है वाइट, ये है रेड, ये मैं कलर चूज़ करता हूँ। तो इधर अगर हमें दूसरा ब्लॉक चाहिए तो कौन सा चाहिए? एक वाइट तो चाहिए और उसका रेड। तो इसमें ये कौन सा कलर किधर है? ये देखो, ये इधर है, दूसरा इधर है, वाइट और रेड। तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। हम जनरली पोजीशन अपना ऐसा रहना चाहिए तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये वाइट और रेड है, इधर वाइट और रेड चाहिए। तो हमारा सिंपल सा एक एल्गोरिदम है जो 90% पजल सॉल्व करता है, वो है आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी, आर, ओके। ये देखो, ये आ गया। कई बार आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये इधर नहीं आता है तब तक हमें वो आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी एक्शन करना पड़ेगा। 2-3 बार में वो आ जाएगा। देखो, ये वाइट आ गया, ये रेड आ गया। अभी इसके बाद इधर वाइट है, इधर ब्लू है। तो ऐसा एक पजल, ऐसा एक ब्लॉक पोजिशन जिसका वाइट और ब्लू, ये देखो, ये इधर ही है। तो हमें या तो इधर, ये दोनों पोजिशन में उसको चाहिए। तो ये इधर आया है, तो हम फिर से वो एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी, 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 या डी करो या नहीं करो। ये ब्लू, ये वाइट, ब्लू, वाइट, रेड, ये दो हो गया। उसके बाद अभी इधर ऊपर वाइट, नीचे ऑरेंज। तो ऐसा एक ब्लॉक, ये देखो, इधर ही है ऑरेंज और वाइट। तो इसको हम फिर से वो एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी, आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी, आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी, आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर, डी। देखा, इस बार मुझे 4 बार करना पड़ा। कहीं वो 4 बार में आएगा, कहीं वो पहली बार में आएगा, लेकिन आएगा। अभी देखो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये पहला लेयर हमारा हो गया, ऊपर का, टॉप का भी ये हो गया। अभी इसमें
ये जो बेस है वो जाएगा नीचे, वाइट कलर नीचे जाएगा। उसके बाद कौन सा भी एक कलर चूज़ करना पड़ेगा। एक बार आप चूज़ करते हो कि ये ब्लू कलर इधर है तो ये सही में इधर रहना चाहिए। अगर ये आप ये सॉल्व करने समय अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो ये कौन सी भी हालत में आपको सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो मैंने अगर ब्लू कलर चॉइस किया है तो ये इधर ही रहना चाहिए। ओके, तो अभी समझ लो इसमें 6 कलर है, तो एक तो नीचे गया पूरा ब्लू कलर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, तो एक बाकी रहा येलो कलर। तो ये येलो कलर इसमें ही ऊपर वाले में रहना चाहिए। ये तो दो इधर है, दो इधर है। तो अभी हमें क्या करना है, ये अगर मैंने चूज़ कर लिया है तो इसको हाथ में पकड़ के सेम अपने हमें वो अपना एल्गोरिथम फॉलो करना है जब तक ये येलो ऊपर ना आ जाए। तो शुरू करते हैं, देखो आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर। अभी देखो आर में मैंने आर किया तो इधर आ गया, लेकिन डी मुझे अभी करना ही है क्योंकि वो उसमें अभी पूरा नहीं हुआ, तो वो पूरा करना चाहिए। अगर वो आधा रखा तो पजल सॉल्व नहीं होगा। तो अभी आप बता सकते हैं कि इधर येलो तो आ गया लेकिन नीचे पूरा डिस्टर्ब हो गया है। डोंट वरी, कोई नहीं हो जाएगा, वो सब अपने आप आ जाएगा। खाली सिर्फ ये ऐसे पोजीशन हमें हिलाना नहीं है। तो ये हो गया, तो अभी इसको फिर यू फॉरवर्ड करते हैं और इधर एक बचा है तो इसको ऊपर लेके आते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला अपना आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी। ओके, देखो नीचे जैसे कि तैसे आ गया ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, ये सब अपने आप हो गया। अभी हमें ये हमें करना है जो हमारा एक लेयर बचा है, उसके लिए अलग से एक दूसरा एल्गोरिथम है। ये पजल में सिर्फ दो ही एल्गोरिथम है जो पूरा पजल सॉल्व करते हैं। वो दूसरा एल्गोरिथम, ये हमारा ब्लू सामने रहना चाहिए, इसकी पोजीशन सिर्फ हमें चेंज करनी है। तो ये पहला एक हमारा एल्गोरिथम, दूसरा एल्गोरिथम हम स्टार्ट करते हैं। वो है एल इन्वर्टेड यू यू आर इन्वर्टेड टू डी, टू डी बोलो या डी डी करो, टू डी, मैं दो बार डी किया। उसके बाद आर यू इन्वर्टेड आर इन्वर्टेड टू डी टू आर। ओके, ये देखो ये एक बार हमने किया, ब्लू हमारा इधर ही है तो इसमें क्या हुआ, ये रेड वाला पजल, रेड वाला ब्लॉक हमारा पूरा हुआ। एक एक अपने एक एल्गोरिथम घुमाए तो। तो अभी वाइट नीचे रहेगा, येलो ऊपर का ऊपर रहेगा, ये जो मैच हुआ है ब्लैक रेड वाला वो हमें पीछे रखना है, येलो वाइट रेड पीछे रखना है। और फिर एक बार हमें वो एल्गोरिथम फिर से करना है, एल इन्वर्टेड यू आर इन्वर्टेड टू डी आर यू इन्वर्टेड आर इन्वर्टेड टू डी टू आर। देखो ये हमारा पजल ये ऐसा था, ये एक बार आ गया, सब जगह दो दो है तो हम इसको घुमा सकते हैं। ये सब जगह पे रेड वाइट ऑरेंज ग्रीन येलो मैच हो गया, एकदम आसान है। आप समझो, उसको करो, अपने बच्चों के हाथ में दे दो, उनको अच्छी तरह से समझाओ, और जब वो करते हैं पूरा तो उनके चेहरे की मुस्कान देखो, उसके उनके चेहरे का आनंद देखो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।